सभी दोस्तों को नमस्कार। मार्केट की बात करते हैं, शेयर बाजार की बात करेंगे, सेल के बारे में बात करते हैं, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के बारे में बात करेंगे। दोस्तों मेटल सेक्टर की कंपनी है, पीएसयू कंपनी है, स्टॉक प्राइस है 135 रुपये के आसपास कारोबार कर रहा है। पहली तिमाही Q1 के नतीजों के बारे में बात करेंगे 2024-2025 के बारे में। दोस्तों जिन्होंने निवेश किया है, इन्वेस्टमेंट किया है, तो पिछले एक साल का रिटर्न 46% का है, 175 का सेल का 52-week हाई है। और पिछले 4-5 महीने की बात करते हैं, मई के महीने में ये स्टॉक 169 में था, उसके बाद इसमें एक गिरावट देखने को मिली, 130 के आसपास आ गया था। आज के दिन की बात करते हैं तो 135 में स्टॉक है। तो जिन्होंने मई के बाद ख़रीदारी की है, ऊपर के लेवल पे ख़रीदारी की है, तो स्टॉक में एक तरह से दबाव देखने को मिल रहा है पिछले 2-3 महीने के अंदर। साल भर के अनुसार देखते हैं तो स्टॉक में तेज़ी रही। दोस्तों जो इसका 52-week लो है 81.80 रुपया का है, हाई बना है 175.35 रुपया का, तो तेज़ी रही है, एक बुलिश ट्रेंड रहा है साल भर के अनुसार। लेकिन पिछले 2-3 महीने में ये देखा जा रहा है कि 150 के ऊपर स्टॉक नहीं निकल रहा है। तो इसके Q1 के नतीजों की बात कर लेते हैं, जो परफॉर्मेंस होगा पहली तिमाही में, आगे 3 महीना उसी तरह से स्टॉक कारोबार करेगा। दोस्तों तो नंबर्स को चेक कर लेते हैं, ये स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नंबर्स हैं, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट है 30 जून 2024 के क्वार्टर में। इनकम की बात करते हैं, 23,997 करोड़ का इसका इनकम है। अदर इनकम को प्लस करके देखते हैं तो 24,174 करोड़ का टोटल इनकम है, 28,271 करोड़ का इससे पहले क्वार्टर में था, 24,822 करोड़ का साल भर पहले था। तो अब की बार इनका टोटल इनकम कम रहा है, ग्रोथ कम रही है। क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से भी देखते हैं तो ग्रोथ कम रही है, 24,174 करोड़ का अपडेट आया टोटल इनकम का। और एक्सपेंसेस की बात करते हैं, एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, 23,871 करोड़ का है। तो कंपनी को प्रॉफिट है, और जो प्रॉफिट का अपडेट आया है, नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड 81.78 करोड़ का है। दोस्तों इससे पहले 1,125 करोड़ का था, साल भर पहले 212 करोड़ का। तो मुनाफा घट गया है और काफ़ी कम रहा है, ये सालाना भी देखते हैं तो काफ़ी कम है, और क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से देखते हैं तो बहुत ही कम है। दोस्तों तो कंपनी का मुनाफे का अपडेट आया, प्रॉफिट का अपडेट आया, लेकिन 100 करोड़ से नीचे का प्रॉफिट है सेल का 30 जून 2024 के क्वार्टर में। और इसका जो कारण है, एक तो टोटल इनकम कम हुआ है, ऊपर से एक्सपेंसेस भी 23,871 करोड़ का है, और कंपरहेंसिव इनकम की बात करते हैं तो 18 करोड़ का है। अब इसका मुनाफा कम रहा है तो अर्निंग पर शेयर भी कम आया है। दोस्तों 0.20 का है, 2.73 का इससे पहले क्वार्टर में था, 0.51 का साल भर पहले था। तो 30 जून 2024 के क्वार्टर में जो नतीजे पेश किए हैं सेल ने, एक तरह से ये खराब नतीजे हैं। कंपनी को प्रॉफिट है, टोटल इनकम कंपनी का जो है वो भी कम है। दोस्तों 24,174 करोड़ का टोटल इनकम है कंपनी का, वो भी कम है। दोस्तों तो ये Q1 के नतीजे हैं सेल के 2024-2025 के, जिसमें परफॉर्मेंस खराब रही है। दोस्तों और इसके मार्केट कैप की बात कर लेते हैं, जो बिजनेस पॉइंट और फंडामेंटल्स पॉइंट्स की बात करते हैं, तो 135-136 के आसपास स्टॉक प्राइस है। जो मार्केट कैप है सेल का 56,795 करोड़ का है, फेस वैल्यू 10 रुपीज़ का है, बुक वैल्यू पर शेयर 138 का है, डिविडेंड यील्ड है 0.73% का, EPS है 7.42 का, ROE है 6.48% का, इसका P रेशियो है 18 का। दोस्तों और डेट टू इक्विटी है 0.64 का। तो जो बिजनेस है, फंडामेंटल्स पॉइंट्स के अनुसार देखते हैं तो स्टॉक प्राइस 135 के आसपास है, इसका बुक वैल्यू ही जो है 138 का है। दोस्तों तो अपने बुक वैल्यू के आसपास ही शेयर कारोबार कर रहा है, एक तरह से अंडर वैल्यू स्टॉक है। बट नतीजों को देखते हैं तो अब की बार मुनाफा कम रहा है,
और रेवेन्यू भी कम रहा है, तो स्टॉक ऊपर की तरफ 150 को क्रॉस करता है तब इसमें थोड़ी बहुत तेज़ी देखने को मिल सकती है, और स्टॉक में ऊपर की तरफ 160-165 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है नेक्स्ट 3 मंथ में, और नीचे की तरफ ये 130-125 के आसपास से बाइंग देखने को मिल सकती है नेक्स्ट 3 मंथ में। तो 30-40 पॉइंट के बीच ये घूमना चाहिए, ट्रेड होना चाहिए। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का शेयर प्राइस तो जिन्होंने ऊपर की तरफ लिया है वो निवेशक क्या करें, समय दें, होल्ड करें, और जिन्होंने लोअर लेवल पे ले रखा है तो होल्ड करें। आगे आने वाले समय में इसके तिमाही नतीजों में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा तो स्टॉक में फिर तेज़ी देखने को मिल सकती है दोस्तों। तो होल्ड करना चाहिए, 135.60 रुपये में स्टॉक प्राइस है। तो ये Q1 के नतीजे हैं, और अपने अनुसार अपना डिसीजन करें, फैसला करें सेल में क्या करना है, जो कम समय के लिए भी कारोबार करते हैं दोस्तों। तेज़ी बनती है स्टॉक में तो ऊपर की तरफ जाता है, तो अपना डिसीजन करें, फैसला करें कि सेल में क्या करना है, और जिन्होंने लोअर लेवल पे ख़रीदा है तो हमारे अनुसार होल्ड करना चाहिए। जब स्टॉक में और तेज़ी बने आगे आने वाले समय में तब फिर अपना डिसाइड करें क्या करना है दोस्तों। और कंपनी के द्वारा डिविडेंड भी दिया जाता है, पिछले 1-2 साल से 1-1.5 साल से थोड़ा बहुत डिविडेंड कम रहा है सेल की तरफ से, और स्टॉक ऊपर की तरफ है पिछले 1-2 साल में दोस्तों। तो ये सेल का लेटेस्ट अपडेट है।